एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आपको काइन मास्टर के माध्यम से सब्सक्राइब एनिमेशंस बटन बनाना सिखाऊंगा। पहले बहुत सारे लोग जैसे सब्सक्राइब एनिमेशंस बटन वो ओल्ड वर्जन का यूज़ कर रहे थे, बट आज के वीडियो में मैं आपको न्यू सब्सक्राइब एनिमेशंस बटन काइन मास्टर के माध्यम से बनाना सिखाऊंगा। वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को स्किप ना करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। हेलो एवरीवन, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हो ट्रस्टेड टेक्नो चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको काइन मास्टर के माध्यम से सब्सक्राइब एनिमेशंस बटन बनाना स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। काइन मास्टर इंस्टॉल करने के बाद में इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपके सामने यानी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपके सामने क्रिएट न्यू का ऑप्शन आएगा। क्रिएट न्यू पर आपको क्लिक करना है। क्रिएट न्यू पर क्लिक करने के बाद में एस्पेक्ट रेशियो इसका 16:9 सेलेक्ट करना है। फिर आपको क्रिएट पर क्लिक करना है। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद में आगे का प्रोसेस करके बताता हूँ। अब सब्सक्राइब बटन बनाने के लिए आपको मीडिया ब्राउज़र ओपन होगा, तो आपको यहाँ पर डाउनलोड के सेक्शन पे मैं ग्रीन टेम्पलेट एक आपको दे दूंगा, जो सब्सक्राइब एनिमेशंस बटन जो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं पहले सब्सक्राइब एनिमेशंस बटन यूज़ कर लेता हूँ, उसके बाद में आगे का प्रोसेस करके ये बताता हूँ। अब यहाँ पर सब्सक्राइब एनिमेशन बटन पर मैंने क्लिक कर दिया। अब क्रॉस पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद में इस प्ले हेड को स्टार्ट पर लेके जाना है। फिर आपको बैक पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और अपने चैनल का लोगो आपको ऐड करना है। तो मैं अपने चैनल का लोगो ऐड कर देता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस करके बताता हूँ। वेल गाइज, मैंने चैनल का लोगो ऐड कर दिया है। अब इस लोगो की लेंथ को भी एक्सटेंड करके यानी इस टेम्पलेट के बराबर करना हमको, ठीक है। फिर हमको इस प्लेहेड को यहाँ पर ड्रैग करके यहाँ पर लेके आना है। फिर इस लोगो की लेंथ को यानी छोटा करना है। फिर इसके बीचों बीच इसको सही से एडजस्ट करना है। तो मैं यहाँ पर इसके बीचों बीच सही से एडजस्ट कर देता हूँ। एडजस्ट करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर राइट में इन एनिमेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने स्लाइड अप का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर इसकी टाइमिंग 0.5 के समथिंग रखना है। फिर आपको बैक पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर आउट एनिमेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर इस बार आपको स्लाइड डाउन को आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर स्लाइड डाउन को सेलेक्ट कर दिया, इसकी भी टाइमिंग 0.5 के समथिंग रखना है। फिर आपको बैक पर क्लिक करना है। बैक पर क्लिक करने के बाद में अब प्ले करके देखते हैं कि लोगो सही से एडजस्ट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर प्ले करके देखते हैं तो लोगो यहाँ से सही से एडजस्ट हो गया है। अब यहाँ पर इस प्लेयर को स्टार्ट पे लेके जाना है। फिर आपको लेयर पर क्लिक करना है, यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपने चैनल का नाम आपको टाइप करना है। तो मैं अपने चैनल का नाम टाइप कर देता हूँ। वेल गाइज, मैंने अपने चैनल का नाम टाइप कर दिया। अब इसको करेंगे ओके। ओके करने के बाद में यहाँ पर राइट में डबल ए का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको कोई भी फॉन्ट अगर आपको पसंद आता है इसमें से तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, बट मुझे जो पसंद आएगा वो मैं फॉन्ट यहाँ से यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे मुझे जो पसंद आ रहा है वो मैं ले लेता हूँ। बहुत सारे यहाँ पर फॉन्ट आ रहे हैं तो यहाँ पर इस बार मैं खांड बोल्ड को ही ले लेता हूँ। फिर ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद में राइट में कलर का ऑप्शन आ रहा है तो कलर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कोई भी कलर आपको सेलेक्ट करना है कर सकते हो, बट मैं फ़िलहाल के लिए येलो कलर को सेलेक्ट करूँगा। फिर ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद में इस टेक्स्ट को भी एक्सटेंड करके इसके बराबर करेंगे, टेम्पलेट के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर प्ले हेड को यहाँ पर लेके आएंगे। फिर इस टेक्स्ट को यहाँ पर हमको सही से एडजस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग इसको सही से एडजस्ट कर लेते। फिर आपको इन एनिमेशन में जाना है और यहाँ पर आपको स्लाइड अप को सेलेक्ट करना है। फिर इसकी भी टाइमिंग 0.5 के समथिंग रखना है। फिर आपको बैक पर क्लिक करना है। फिर दोबारा आपको आउट एनिमेशंस में जाना है, यहाँ पर स्लाइड डाउन को सेलेक्ट करना है। फिर इसकी भी टाइमिंग 0.5 के समथिंग रखना है। फिर आपको बैक पर क्लिक करना है। अब प्ले करके देखते हैं। तो देखिए ये टेक्स्ट बराबर आ गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अगर नीचे कोई स्लोगन आपको डालना है तो इस टेक्स्ट पर क्लिक करना है। लेफ्ट में 3 डॉट का निशान है, इस पर क्लिक करना है। डुप्लीकेट पर क्लिक करना है तो ये डुप्लीकेट यानी टेक्स्ट बनके तैयार हो जाएगा। अब डुप्लीकेट टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, डबल टैप भी कर सकते हो या राइट में ऊपर एडिट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ट्रस्टेड टेक्नो को कट करना है। और यहाँ पर हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। उसके बाद में ओके करेंगे। ओके करने के बाद में इसको ड्रैग करके यहाँ लेके आएंगे। उसके बाद में सेकेंड वाले यानी टेक्स्ट को यहाँ पर यानी सही से एडजस्ट करेंगे। फिर यहाँ पर इसका कलर चेंज करेंगे तो कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
इसका वाइट वाला कलर सेलेक्ट कर देंगे, फिर ओके कर देंगे। फिर यानी बैक पर क्लिक करना है। इसमें एनिमेशंस देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट वाले टेक्स्ट में हमने एनिमेशंस दिया है तो उसका डुप्लीकेट हमने कर दिया। अब प्ले करके देखते हैं कि यानी कैसा बना है। तो देखिए कितना प्रोफेशनल तरीके से ये सब्सक्राइब एनिमेशन बनके तैयार हुआ है। तो ऐसे का ऐसा आप भी अपने YouTube चैनल के लिए प्रोफेशनल तरीके से काइनमास्टर के माध्यम से सब्सक्राइब एनिमेशन बटन बना सकते हो। तो अब यानी ये सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में थोड़ा सा यहाँ पर टेक्स्ट को सही से एडजस्ट कर देते हैं। ये सारे के सारे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में राइट में आपके सामने यहाँ पर शेयर का ऑप्शन आ रहा है, शेयर पर क्लिक करना है। फिर रिजोल्यूशंस में फुल HD 1080 पिक्सल्स रखना है, फ्रेम रेट 30 रखना है, बीट रेट इसकी हाई रखना है। उसके बाद में सेव एज वीडियो पर क्लिक करना है। सेव एज वीडियो पर क्लिक करने के बाद में मैं आपको बताता हूँ कि यह कैसा बना है। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि यह कैसा बन के तैयार हुआ है। तो देखिए कितना प्रोफेशनल तरीके से ये सब्सक्राइब एनिमेशन बन के तैयार हुआ है। तो ऐसे कैसा आप भी बना सकते हो। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कमाल की ट्रिक्स के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।